नौकरियां तो मोदी जी को निकालनी चाहिए, जो बच्चे हैं बेचारे पढ़े लिखे हैं, ये चीजें गलत कर रखा है। वैकेंसी खुली चाहिए, वैकेंसी खुली चाहिए, बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, वो डिग्री को लेकर हाथ में घूम रहे हैं, तरह घूम रहे हैं। यहाँ पर केवल और केवल कमल ही खिलने वाला है, कुछ होना वाला नहीं है। एक भी सीट किसी भी अन्य पार्टी की यहाँ पर आने वाली नहीं है। ये दल बदलने वाले ऐसे निपट जाएंगे, सपोर्ट नहीं होती तो यहाँ पे होती नहीं, समझ रहे हो आप। और हम तो धन्यवाद करते हैं मोदी सरकार को कि उन्होंने औरतों के लिए कुछ एक्शन लिया। पहली सरकारों ने कुछ नहीं करा, बलात्कार होते थे, सब कुछ होते, अब कब हो रहे हैं बताइए। पढ़ा भी रहे, कोई कर्जा लेके पढ़ा रहा, कोई कैसे लेके पढ़ा रहा, उसके बावजूद उनको नौकरी नहीं है तो क्या है, भुखमरी तो है, यानी परेशानी है कहीं। यस, सरकार नहीं आ रही है, मुश्किल है। लालू की बात करते हैं हम, लालू ने सारा गौ माताओं का चारा बेच करके खा गए, आज उनकी एक किडनी खराब हो गई, उनकी बेटी ने किडनी दी है, वो वेंटिलेटर पर है, वो खुद पार्टी का महासम्मेलन है, क्या कहेंगे सर, क्या नाम है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी का यहाँ पर आगमन, और भारतीय जनता पार्टी मैन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी हमारे सामने बोल रहे हैं, सारे देश में इतनी बड़ी खुशी है, चुनाव ऊपर से है, देखिए मैं देखता रहा हूँ दिल्ली से और यहाँ तक तांता लगा हुआ लोगों का, इतनी खुशी है। राष्ट्रीय समुदाय के लोग 82% लगभग हमारे देश में रहते हैं, ये सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को जाने वाला है, मेरा ऐसा कहना है। विपक्ष में बैठे हुए नेता और क्या करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ आप उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी, ये दल बदलू और तिरंगे चौरंगे जो लोग घूम रहे हैं, कभी इस पर कभी उस पर, डाल डाल पर तोते की तरह घूम रहे हैं, यहाँ पर केवल और केवल कमल ही खिलने वाला है, कुछ होना वाला नहीं है। एक भी सीट किसी भी अन्य पार्टी की यहाँ पर आने वाली नहीं है, ये दल बदलने वाले ऐसे निपट जाएंगे। तो भाई एक साथ आ चुके हैं, दल बदल की बात नहीं है, अब तो दो तगड़े तगड़े आ चुके हैं भाजपा के सामने, कुछ भी होने वाला नहीं है, आप देख लीजिए। झूठ बोलने की राजनीति, वो 70 साल से हमारे ऊपर राज कर रहे थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में आकर के उनको दो दिया, धारा 384 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, जो 500 साल से केस चल रहा था उसको भी हमने फट्टे लगा दिए। आज अयोध्या में अभी हम पिछले 15 दिन पहले गए थे, वहां पर जाकर के हमने दिल्ली से हमें एक पूरी ट्रेन मिले थी, 1600 लोगों ने हमने वहां पर किया था। भारतीय जनता पार्टी का संदेश पूरे भारत में जा रहा है, अब कहीं टक्कर पर नहीं है, कमल खिलने वाला है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी, देखिए आपने भी भाई साहब, देखिए आपने भी अभी 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 आपने भाई साहब से कहा कि दो भाई, अभी आपने कहा कि दो भाई एक साथ आ गए, आपने इससे पिछला परिणाम देखा होगा, दोनों भाई उस टाइम भी एक साथ थे और इनकी यहाँ पे सीटें घटी थी, और इस बार लग रहा है इनका सुपड़ा साहब दोनों का ही होने वाला है, एक दूसरे की बर्बादी का कारण अखिलेश और राहुल है, दोनों जुड़ गए, इससे तो हमें और फायदा होने वाला है। यार में बैठे लालू कहते हैं कौन है मोदी, कहाँ का मोदी, हिंदू नहीं है और वो कुछ नहीं है, लोग उसका परिवार नहीं है। लालू आज पहली बार नहीं सटिया है, लालू पहले भी सटिया चुके हैं लोकसभा में, उनका सटियाने का कारण एक बार नहीं अनेकों बार हो चुका है, पर अब जो हम मुद्दों में बात करते हैं, हम बिगर मुद्दे कोई बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ रही है तो मुद्दों पर लड़ रही है, आप देखिए। लालू की बात करते हैं हम, लालू की बात करते हैं हम, लालू ने सारा गौ माताओं का चारा बेच करके खा गए, आज उनकी एक किडनी खराब हो गई, उनकी बेटी ने किडनी दी है, वो वेंटिलेटर पर है, वो खुद समाप्त हो जाएंगे। कहते हैं मोदी का परिवार नहीं है, उनको क्या पता, मोदी का परिवार है, मोदी का परिवार हमें, मोदी का परिवार। देखिए भारतीय जनता पार्टी हवा में चुनाव नहीं लड़ेगी। देखते हैं महिलाओं को कितना सिक्योर रहा है, अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत सिक्योर है लेडीज है, क्योंकि अगर लेडीज सिक्योर नहीं होती तो यहाँ पे होती नहीं, समझ रहे हो आप। और हम तो धन्यवाद करते हैं मोदी सरकार को कि उन्होंने औरतों के लिए कुछ एक्शन लिया, पहली सरकारों ने कुछ नहीं करा, बलात्कार होते थे, सब कुछ होते, अब कब कब हो रहे हैं बताइए, कुछ नहीं हो रहा ना, तो यही है, हम तो धन्यवाद करते हैं और हम तो चाहते हैं कि अब के सरकार मोदी सरकार। विपक्ष में बैठे नेता कहते हैं बेरोजगारी है, महंगाई है, सरकार ने लूट लिया है, राहुल गांधी कहते हैं, तमाम सारे आरोप लगाते हैं, ऐसे में नहीं लगता कि आपको महंगाई है? चोर तो ऐसे बोलते हैं, चोर होते हैं वो ऐसे बोलते हैं, क्योंकि जो सच होता है वो छुपता नहीं है, ये सच है जो दिख रहा है सारे जहाँ को, यानी अच्छा कर रही है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया ने भी सहयोग किया इसमें, आज जो ये सुधार आया, आज जो सुधार देखने को मिल रहा है ना, इसमें मीडिया का भी सहयोग रहा, क्योंकि मीडिया ने बात को जमीन तक पहुंचाया, इसलिए हम मीडिया बंधुओं का भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और कार्यक्रम में आप भी इंजॉय करें, आपको भी निमंत्रण करते हैं। भारत माता की जय। हाँ जी,
तो क्या लग रहा है मोदी जी वापस आएंगे या जाएंगे? उम्मीद तो लग रही है भाई कि आएंगे, आगे देखो किस्मत है, वैसे तो उम्मीद तो लग ही रही है कि हाँ आएंगे। क्या काम किया है मोदी जी? अच्छा ही काम कर रहे हैं, देखो सबके लिए, गरीब आदमियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मंदिर बना दिए, गरीब आदमियों के लिए टंकी टूटी, राशन पानी बांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन लोग तो कहते हैं, विपक्ष में बैठे नेता कहते हैं बेरोजगारी है, महंगाई है। ये तो है, रोजगारी तो है, देखो नौकरियां तो मोदी जी को निकालनी चाहिए, जो बच्चे हैं बेचारे पढ़े लिखे हैं, ये चीज ये गलत कर रखा है। वैकेंसी खुलनी चाहिए, वैकेंसी खुलनी चाहिए, बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, वो डिग्री को लेकर हाथ में घूम रहे हैं, रो रहे हैं, तो क्या फायदा है इससे? अच्छा देखो जॉब पर काम, यस देखो जब कमाई होगी जब तो बच्चे स्वागत रहेंगे। सुरक्षा अच्छी है, सुरक्षा अच्छी है, सुरक्षा में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सुरक्षा गलत है। वैकेंसी सब चीज की बंदी करी हुई है उन्होंने। देखो हमारे, हम वाल्मीकि जात से हैं, लेकिन हमारी भी नौकरी बंद करी, फ्री नौकरी थी हमारी, वो भी बंद कर दी। साल में, पाँच साल में, दो साल में तो खोलनी चाहिए वैकेंसी, खोलनी चाहिए, नहीं खोलनी सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना भी चाहिए, जनता से ये मशवरा भी लेना चाहिए कि भाई किस चीज़ ऐसे में वापस आ सकती है सरकार। मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, आप जैसे बच्चे ले गए माइक घूम रहे हैं, कुछ नहीं है, क्या है, बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, माँ बाप पढ़ा भी रहे हैं, कोई कर्जा लेके पढ़ा रहा है, कोई कैसे लेके पढ़ा रहा है, उसके बावजूद उनको नौकरी नहीं है, तो क्या है, भुखमरी तो है, यानी परेशानी है। यस तो सरकार नहीं आ रही है, मुश्किल है, एक तरफ मुश्किल है, दूसरी तरफ क्या लग रहा है, ऐसी भीड़ भाड़, ये भीड़ तो आपका जैसे मैं भी जैसे आ गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम माता जी आपका? श्री चंदी। कहाँ से आ रही हैं? कृष्ण नगर दिल्ली। क्या लग रहा है आपको आज यहाँ अनुसूचित जाति का? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे, वापस आएगी? आज आनी चाहिए, अच्छा ही कर रहे हैं तो आनी चाहिए। अच्छा किया है क्या? हाँ, और क्या, राशन पानी सब मिल रहा फ्री में। भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 का आंकड़ा है जो वो पार कर रही है, क्योंकि चारों ओर राम राज है, राम भगवान राम की लहर है, और जो विकास हुआ है, वो जो विकास हुआ है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूरा भारत हो, हर वर्ग हर जाति के लिए मोदी और योगी की सरकार ने चारों तरफ विकास की गंगा बहाई है, इसमें दो राय नहीं है। 500 सालों का जो सपना था भगवान राम के मंदिर का, वो भी पूरा हुआ है, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, सभी का काम पूरा हुआ है, और रामराज की लहर है, पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है चारों ओर, और 400 का आंकड़ा इस बार पार होना है। जो विरोधी दल है वो मुंह की अपनी खाएंगे, और उनको पूरी तरीके से जनता ने नकार दिया। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी अखिलेश जी की यात्रा निकली है, आगरा में कोई संदेश नहीं? फिलौप थी, उनमें 500 रुपए दे के लोगों को लाया गया था जबरदस्ती, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, और उस रैली में 1000 लोग नहीं थे पूरी। क्या कहेंगे युवाओं आप, क्या लग रहा है आपको? मोदी जी फिर से, मोदी जी क्यों, कैसे? मोदी जी ने जो विकास किया है वो किसी ने नहीं किया है। मोदी जी 400 पार, इस बार 400 पार, मोदी पार। तमाम सारे युवा, तमाम सारे बुजुर्ग आज रैली में हैं, ये आगरा की रैली है, देखिए खबर एक्सपर्ट पर लाइव तस्वीरें, धन्यवाद।